नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन चंक्स की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने सोयाबीन चंक्स लिए हैं, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक का एक टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता, 3 प्याज हमने लिए हैं मीडियम साइज के, 3 टमाटर, धनिया। मसाले देखते हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, सब्जी मसाला 1 चम्मच, मीट मसाला 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, हींग 1 चम्मच। अब हमने एक भगोना रखा है, भगोने में डालेंगे पानी। हमने पानी डाल दिया है, पानी में उबाला जाने देते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, इतना सा नमक डालेंगे। इसको उबाल आने तक पकाएंगे 1 मिनट के लिए। हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सोयाबीन चंक्स। इन्हें 5 मिनट के लिए उबालते हैं। जब तक इधर हमारे सोयाबीन उबल रहे हैं, तब तक हम इधर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं, इन सभी चीज़ों का, टमाटर का। देखिए ये हमने काट के तैयार कर लिया है, अब इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इसी में डाल देंगे हम अदरक कटी हुई, लहसुन की कुछ कलियाँ। अब इसका बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार है, ये टमाटर का हमारा पेस्ट तैयार है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, सोयाबीन चंक्स हमारे फूल कर तैयार हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, इसे अलग निकाल लेते हैं बर्तन में। इसका बचा हुआ पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज कर लेंगे सब्जी में बनाने के लिए। ये देखिए, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑन कर दी है गैस पे, हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल को गर्म हो जाने देते हैं। तेल वाला गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, मेथी दाने, हींग, जीरा, अच्छे से पकने देते हैं इसे। ऐसे चला देते हैं, देखिए अच्छे से चटक गए हैं। अब इसमें डालेंगे लाल हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज हमारा पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, मीट मसाला, लाल मिर्च पाउडर। मसाले को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना मसाले चल जाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनना है हमें इसे। 1 मिनट हो चुका है हमारा, तेल हमारा ऊपर आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर देते हैं हम, अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालते ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, मिक्स करेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक तेल और मसाले सब हमारे ऊपर नहीं आ जाते हैं। अच्छे से अब इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह से 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के रखते हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक रहा है, चला देते हैं एक बार। ये देखिए तेल हमारा ऊपर आ गया है, अब सोयाबीन चंक्स को लेते हैं, उसे हल्का सा दबाते हैं। देखिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए था। इसे भी हम डाल लेते हैं इसी में,
मिक्स करेंगे इसके लिए। एक मिनट हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये हमारा टमाटर का कच्चा वो पेस्ट था उसको भून लिया है, उसका पेस्ट भी हमने निकाल लिया था, वही इसमें डालेंगे। ये हमने जो सोयाबीन उबाली थी उसका पानी बचा हुआ है, इसे फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसलिए मैं इसको डाल देते हैं सब्जी में। अच्छे से चला देते हैं हम, इसमें थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी नहीं चाहिए। देखिए इतना पानी हम डालेंगे इसमें, और देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पर एक बार आने तक इसे बंद कर, इसे ढक के पकाते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि उबाल आ जाए अच्छे से। एक से दो मिनट हो चुका है, हम ढक्कन लगाते हैं। देखिए अच्छा सा बॉयल आ रहा है इसमें, थोड़ा चला देते हैं। इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला, इसे भी चला देते हैं अच्छे से। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के और पकाएंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से कोट हो जाए और बढ़िया सा टेस्ट आए इसमें। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, और सब्जी धनिया पत्ती। चला देते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। देखिए सोयाबीन चंक्स की सब्जी बनके तैयार है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।